हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउंस। आज की अपनी वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? सी द सेंटेंसेस। कार्तिक हैज अ बलून, ही हैज अ बलून। द कैट इज स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग। In the examples above, he and it are used in place of Kartik and cat. यहाँ पे कार्तिक के प्लेस में he का यूज हुआ है and the cat के प्लेस में it का यूज हुआ है। तो ये वर्ड्स क्या हैं? These words are pronouns। ये वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। कार्तिक एक नाउन है तो उसके प्लेस में हमने he प्रोनाउन यूज किया है एंड द कैट, कैट इज ऑल्सो अ नाउन तो कैट की प्लेस में इट यूज हुआ है। तो ये वर्ड क्या है? ही एंड इट प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की प्लेस में यूज होता है। आपने इस एग्जाम्पल में देखा नाउन की प्लेस में ये यूज हुआ ही वर्ड एंड कैट की प्लेस में इट। तो प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस ऐसे वर्ड हैं जो कि नाउन की प्लेस में यूज होते हैं। सम प्रोनाउंस वी यूज एवरी डे आर आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिज, शी, हर, दे एंड देम। जो प्रोनाउंस हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में क्या हैं? आई, आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, वी हम, us, you, तुम, he किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए। एंड his, he वह, his उसका। she किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए। एंड her गर्ल के लिए यूज होता है। they means वे एंड them। ओके, दीज प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल। ये प्रोनाउन लोगों के नेम को रिप्लेस करते हैं। यूज फॉर द नेम्स ऑफ मेल, मेल जो होते हैं उनके लिए यूज होता है ही एंड हिम। यूज फॉर द नेम्स ऑफ फीमेल्स, जो फीमेल्स हैं गर्ल उनके लिए यूज होता है शी एंड हर। यूज फॉर द नेम्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और ऐसे प्रोनाउन जो दोनों के लिए यूज होते हैं मेल एंड फीमेल, वो हैं आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम। ये दोनों के लिए यूज होते हैं मेल एंड फीमेल। द प्रोनाउन इट इज यूज फॉर एनिमल एंड थिंग्स। जो प्रोनाउन इट है वो यूज होता है एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए। इट का यूज एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए। कैन यू आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस इन द टेबल अबव। क्या तुमने इस टेबल में पहचाने सिंगुलर प्रोनाउंस क्या थे और प्लूरल प्रोनाउंस क्या थे? तो सिंगुलर प्रोनाउंस थे आई, ही, हिम, शी, हर, इट। ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। एंड प्लूरल क्या है? वी, अस, दे, देम। ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल पर्सन के लिए यूज होते हैं, प्लूरल थिंग्स के लिए यूज होते हैं। द प्रोनाउन यू इज यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जो प्रोनाउन यू है वो दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी एंड प्लूरल के लिए भी। नाउ सी द एक्सरसाइज, मैच द नाउन्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट प्रोनाउन इन कॉलम बी। हमें यहाँ पे कॉलम ए में कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनके करेक्ट प्रोनाउन कॉलम बी में दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट प्रोनाउन मैच करने हैं। यहाँ पे है राहुल, तो राहुल एक बॉय है, मेल है, इसके लिए यूज होगा प्रोनाउन ही। अविनाश एंड अखिल, ये यहाँ पे प्लूरल हैं, दो पर्सन हैं, तो अविनाश एंड अखिल इनके लिए यूज होगा दे। माय सिस्टर, मदर एंड आई, मेरी बहन, मदर एंड मैं, तो इनके लिए यूज होगा वी प्रोनाउन। प्रिया, प्रिया क्या है? फीमेल है, तो उसके लिए यूज होगा शी। अ डॉग, डॉग एंड थिंग्स, एनिमल एंड थिंग्स के लिए यूज होता है इट, तो डॉग के लिए यूज होगा इट। सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उनमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करने हैं। ही गेव मी
बुक्स, उसने मुझे बुक्स दी. तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है एंड मी ऑल्सो प्रोनाउन. आई गेव हिम अ पेयर ऑफ शूज, मैंने उसे एक पेयर ऑफ शूज दिया. तो यहाँ पे आई एंड हिम दोनों क्या है, प्रोनाउन. शी पुट ऑन अ न्यू फ्रॉक, उसने एक नई फ्रॉक पहनी. हेयर शी प्रोनाउन. प्लीज गिव देम मनी फॉर द एंट्री टिकट्स, प्लीज उन्हें पैसे दो एंट्री टिकट्स के लिए. यहाँ पे देम क्या है, प्रोनाउन. वी वेंट टू मीट रजत ग्रैंडफादर, हम रजत की ग्रैंडफादर से मिलने गए. यहाँ पे प्रोनाउन है वी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट द वर्ड्स इन रेड इन ईच सेंटेंसेस इन कॉलम ए. चूज द बेस्ट प्रोनाउन टू टेक देयर प्लेस इन कॉलम बी. कॉलम ए में हमें जो ये रेड सेंटेंस रेड वर्ड्स हैं उन्हें देखना है. एंड कॉलम ए में देख के तो उनके लिए हमें यहाँ कॉलम बी में बेस्ट प्रोनाउन फिल करना है. कॉलम ए, अवर डॉग टिप्सी वॉज स्लीपिंग, हमारा डॉग टिप्सी सो रहा था. तो डॉग यहाँ पे डॉग के लिए क्या यूज होगा, एनिमल्स के लिए यूज होता है इट. तो यहाँ पे कॉलम बी में हम लिख देंगे इट वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था. माय मदर सेंट अस आउटसाइड, मेरी मदर ने हमें बाहर भेजा. तो मदर यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए यूज होता है शी. शी सेंट अस आउटसाइड, उसने हमें बाहर भेजा. माय ब्रदर वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, मेरा ब्रदर एक बॉल के साथ खेल रहा था. तो ब्रदर के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा ही, क्योंकि ब्रदर मेल है. ही वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, वह बॉल के साथ खेल रहा था. द बैल द बॉल वॉज बिग, बॉल बड़ी थी. यहाँ पे बॉल थिंग है तो थिंग के लिए यूज होता है प्रोनाउन इट. इट वॉज बिग. माई ब्रदर थ्रू द बॉल, मेरे ब्रदर ने बॉल फेंकी. यहाँ पे ब्रदर मेल है, मेल के लिए यूज होगा ही थ्रू द बॉल. माई सिस्टर कॉट द बॉल, मेरी सिस्टर ने बॉल को पकड़ा. माई सिस्टर गर्ल है, फीमेल है. तो शी कॉट द बॉल, यहाँ पे थिंग है, थिंग के लिए यूज होगा इट. शी कॉट इट. नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्रैकेट से करेक्ट प्रोनाउन चूज करके फिल करने हैं. द टीचर कॉल्ड मी, टीचर ने मुझे बुलाया. तो यहाँ पे आई आएगा. आई वेंट टू हर इमीडिएटली, मैं उसके पास इमीडिएटली गया. शेलिना वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, शी लव्स द गेम बिकॉज सेलिना इज अ गर्ल. राधा विल नॉट गो टू स्कूल, शी इज नॉट, राधा के प्लेस में यहाँ पे यूज होगा शी बिकॉज राधा इज अ गर्ल. द डॉग वॉज हैप्पी वेन वी प्लेड विद इट. Mrs. Naidu said to Mohan, Mohan, you are a good boy.